विश्वास सारंग जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सहकारिता में लगातार नित नए प्रयोग हो रहे हैं और उसमें सुधार भी हो रहा है। सर, पूर्व में देखा जाता था सहकारिता विभाग को एक अलग नज़रिए से देखा जाता, लेकिन जब से आपके पास आया है वो विभाग नित नए प्रयोग करके अच्छा काम कर रहा है, किस तरह से सर वो आगे उपलब्ध? देखिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सहकारिता विभाग लगातार आगे बढ़ा है और जिस अपेक्षा के साथ सहकारिता आंदोलन को स्थापित किया गया है कि ये जन आंदोलन बने, उसमें हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम जो सहकारिता के अभी के आयाम हैं जिन पर काम हो रहा है उसको तो सुदृढ़ कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ नवाचार पर भी हम ध्यान दे रहे हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार ये विभाग अच्छा काम कर रहा है। सर, लगातार से देखने में आता है कि सोसाइटीज़ जो रहती है इंदौर में या कहीं बड़े महानगरों में, शहरों में भी देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई ना कोई धांधलियाँ भी होती। अधिकारियों को सर क्या निर्देश दिए गए या किस तरह से उन्हें अपने? देखिए, हाउसिंग सोसाइटी के मामले में हमने पूरा प्लान किया और हम सुनिश्चित ये करने वाले हैं कि सभी जो पीड़ित हैं या शिकायतकर्ता हैं उनको प्लॉट भी मिले और उसके साथ साथ जिन्होंने गलती की है वो बिहाइंड द बार जाएं, वो उनको सजा हो, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। सारंग जी हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर कह दिया कि पीड़ितों को यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका उनका हक मिलेगा और यहाँ पर जो भी गलती करेगा उसको सजा का भी प्रावधान यहाँ पर विश्वास सारंग के द्वारा कह दिया गया है। अनवर खान के साथ शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।